ग्वालियर में विश्व एड्स दिवस के मौके पर फूलबाग मैदान परिसर में रंगोली गायन और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर रंगोली से रेड रिबन उकेरा गया। शहर की आदर्श सेवा समिति सहित राज्य के एड्स नियंत्रण समिति और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें विधायक सतीश सिकरवर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। साथ ही एनसीसी कैडेट और महिलाओं ने भी जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। प्रवीण पंवार, संचालक आदर्श एनजीओ ग्वालियर। आज विश्व एड्स दिवस के शुभ अवसर पर नगर के हृदय स्थल फूलबाग मैदान पे एड्स जागरूकता के प्रति लोगों को जन जागरण करने के उद्देश्य से आज हम लोगों ने यहाँ पे रंगोली का प्रदर्शन किया है। साथ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय समय में हम लोग नुक्कड़ नाटक जाके जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर लोग निरंतर काम करते रहते हैं। और ये पूरा एक पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, 15 दिन का पखवाड़ा है हमारा। उसमें कल हम लोग ऑटो के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से ये कार्य करेंगे। आज जो हमारा मेन उद्देश्य था, कल जो हम लोगों ने इसकी विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पे कैंडल मार्च किया था, जिसमें हमारे एनसीसी के आप कैंडिडेट देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए हैं, इनका भरपूर हमें योगदान रहा और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से